आज हम लोग क्लास सेवेंथ की कंप्यूटर में जो हम लोगों का सेकंड चैप्टर रनिंग मेथड चल रहा था फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस इन एक्सेल उसकी लास्ट वीडियो है, उसका लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन एक्सेल, मतलब एक्सेल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शन, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक फंक्शन है वो है, पहला है सम, नेक्स्ट है एवरेज, मैक्स, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिन, मिनिमम और काउंट। आज हम लोग इस वीडियो में इन पांच फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, वो है रूल्स फॉर राइटिंग अ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन को लिखने की क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये रूल्स अगर इंपॉर्टेंट नहीं होते तो हम इनसे पहले जो लास्ट वीडियो में, जो हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्मूला एरर्स, वो एरर जनरेट नहीं होते। वो एरर क्यों जनरेट होते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं उसको रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखते, हम उन रूल्स में कोई ना कोई गलती कर देते हैं और कोई ना कोई एरर जनरेट हो जाता है। क्लियर? तो इसमें जो पहला रूल है वो है, अ फंक्शन शुड स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन। जो फंक्शन होगा, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, वो फंक्शन किस चीज से स्टार्ट होगा, हमेशा इक्वल टू साइन से, इक्वल्स साइन से। क्लियर? इस इक्वल्स टू साइन से ही स्टार्ट होगा। जब जब इक्वल्स टू साइन से हमने फंक्शन स्टार्ट नहीं करा है, तब तब वहां पे क्या आया है, एरर। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन नेम कैन बी रिटन इन अपर केस और लोअर केस। अब फंक्शन नेम कैसे लिख सकते हैं हम, या तो प्रॉपर पूरा का पूरा अपर केस में हो या फिर पूरा लोअर केस में हो, मिक्स में ना हो। मतलब कि आप चाहें तो ये लिख सकते हैं सम, ये तो हो गया अपर केस, और आप चाहें तो ये लिख सकते हैं स्मॉल में सम। ठीक, अगर आप चाहें तो ये, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये लिख दूं, एस कैपिटल लिख दिया और यू स्मॉल और एम स्मॉल, तो ये क्या जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा, आर्गुमेंट्स शुड बी इंक्लोज्ड विद इन पैरामीटर्स। जो आर्गुमेंट्स होंगे वो पैरामीटर्स के अंदर ही इंक्लोज किए जाएंगे। यहां पैरामीटर्स गलत लिख गया है, आर्गुमेंट्स शुड बी इंक्लोज्ड विद इन पैरेंथीसिस। पैरेंथीसिस का मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट्स। ठीक है, जो भी हम आर्गुमेंट अंदर किसी भी फंक्शन में पास करेंगे तो वो किस में फॉर्म होने चाहिए, पैरेंथीसिस के अंदर होने चाहिए। पैरेंथीसिस का मतलब होता है आपका कि एक तो आपका पैरेंथीसिस मतलब होता है आपका ये ब्रैकेट्स। ठीक है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं ये, अब इन पैरेंथीसिस के अंदर हमेशा वो क्या होनी चाहिए, आर्गुमेंट्स पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, नो ब्लैंक स्पेस शुड बी गिवन बिटवीन इक्वल सिंबल, फंक्शन नेम एंड आर्गुमेंट्स। मतलब इस पूरे फंक्शन में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। आपने इक्वल्स टू लिखा, इक्वल्स टू के साथ बिना कोई स्पेस दिए आपने सम लिखा, राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, उसके बाद पैरेंथीसिस लगाया, फिर आपने लिखा ए वन से लेकर ए फाइव तक। ठीक, और ये कर दिया पैरेंथीसिस क्लोज। अब इस पूरे में क्या करेंगे हम, इस पूरे में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे। क्लियर? कॉमा शुड बी यूज्ड टू सेपरेट मोर देन वन आर्गुमेंट्स। एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमास का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं लिखना आपको कि ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, आपने काफी सारे आर्गुमेंट्स लिख दिए लेकिन कॉमा नहीं लगाया। कॉमा ना लगाने से क्या होगा, जो फंक्शन पढ़ेगा, जो सॉफ्टवेयर उन फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, उस कैलकुलेशन को करने के लिए पढ़ेगा उस फंक्शन को, वो समझ नहीं पाएगा कि ए वन क्या है, ए टू क्या है, ए थ्री क्या है। उसको ये नहीं पता कि ये चारों के चारों अलग अलग आर्गुमेंट है, वो सोचेगा ये पूरा का पूरा एक आर्गुमेंट है, उसका नाम एक ही है। क्लियर? इसलिए इन सबको अलग अलग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है। अब हमारा पहला फंक्शन जो है सम, द सम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द सम ऑफ गिवन नंबर्स। सम का काम क्या होता है, किसी भी नंबर का, काफी सारे नंबर्स का सम निकालने के लिए, मतलब टोटल निकालने के लिए, उन सबको ऐड करने के लिए। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है। ठीक है, ये काफी सारे नेम दे रखे हैं, इन नेम को मैं थोड़ा सा कलर कर दूं, और ये कर दिया मैंने कलर, ये हो गया ये कलर, और इनकम को कर दिया मैंने इससे, और ये मेरे कलर हो गए ये। क्लियर? कलर हो गए। अब नेम, एक तरफ नेम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उन नेम की इनकम लिखी हुई है, मतलब
एलेक्स 15,000 कमाता है, बॉब 10,000, जॉर्ज 22,800, ब्रेड 11,500, इस तरीके से बाकी सब लोग कमाते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सबकी ये टोटल, ये जो इनकम है यहाँ पे मैं काउंट करके लिखूंगा कि कितनी इनकम आ रही है। तो मैं क्या लिखूँ, टोटल, टोटल लिख दिया। टोटल लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सम। तो इक्वल्स टू कैपिटल मैंने लिखा सम, पैरेंथीसिस लगाया। अब यहाँ पे कौन सा सेल है, ये डी टू, ये कौन सा सेल आ रहा है, डी टू, और कहाँ तक लिखना है, डी नाइन तक। तो डी टू, डी टू कॉलोन डी नाइन, इसका मतलब क्या हुआ, डी टू से लेकर डी नाइन तक मैंने कर दिया पैरेंथीसिस क्लोज, और जैसे ही मैंने किया एंटर तो ये क्या आ गया, टोटल। टोटल कितना आया, 144,300, 144,300। तो ये क्या हुआ इसका टोटल, सम का मतलब समझ आया आप लोगों को, कैसे इसका सम करना होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार और दिखाता हूँ। मैंने लगाया इक्वल्स टू, लिखा सम, ब्रैकेट ओपन किया, पैरेंथीसिस इसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक करना है, डी टू से लेकर डी नाइन तक, उसके बाद पैरेंथीसिस कर दिया क्लोज और दे दिया मैंने, कर दिया एंटर। एंटर करने पे सम आ गया। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है एवरेज। एवरेज का काम क्या होता है, एवरेज फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स। मतलब कि जैसे सम का काम क्या था, उन सभी नंबर्स का टोटल करना, ऐड करना, तो एवरेज का काम क्या होगा, उन सभी नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना। अब मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। ये तो मेरा था टोटल, ये मैंने कर दिया इसको डिलीट। ठीक, अब मैं यहाँ लिखता हूँ एवरेज। एवरेज को मैं शॉर्ट फॉर्म एवीजी लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला, फॉर्मूले पे क्या लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू मैंने लिखा AVERAG एवरेज, पैरेंथीसिस ओपन किया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो इक्वल्स टू एवरेज, पैरेंथीसिस ओपन किया, कहां से कहां तक एवरेज, D2 से लेकर D9 तक, तो D2 कॉलोन D9, पैरेंथीसिस किया क्लोज। ये फॉर्मूला दिख गया आप लोगों को समझ में आया, इक्वल्स टू एवरेज लिखा, फिर D2 से लेकर D9 तक, तो क्या मैंने कर दिया एंटर। एंटर करते ही एवरेज क्या आया, 18,037.50। ठीक, तो इन सब का जो टोटल एवरेज आया वो क्या आया, ये 18,037.50। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है मैक्स, मतलब मैक्सिमम। मैक्स फंक्शन का काम करता है, द मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक, और यही सेम काम क्या होता है, मिन का। मिन का काम क्या होता है, उन सेट ऑफ वैल्यूज में से क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू ने कैलकुलेट करना। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कैसे मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे तो मैं लिखता हूँ लार्जेस्ट। लार्जेस्ट करने के लिए क्या करूंगा, इक्वल्स टू मैक्स, कहाँ से कहाँ तक, डी टू से लेके डी नाइन, डी टू से लेके डी नाइन के बीच में जितने जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो होगी। मैंने फॉर्मूला लिखा, एंटर किया, तो क्या आई मेरी वैल्यू, 26,500। अब ये कहाँ है 26,500, ये रही। तो ये वैल्यू बाकी सभी वैल्यूज में क्या है, लार्जेस्ट। क्या है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी वैल्यू है। अब मैं निकालूंगा स्मॉलेस्ट, मैंने लिख दिया इधर स्मॉलेस्ट, इक्वल्स टू मिन, डी टू से लेकर डी नाइन तक। ठीक, इन सब के बीच में मैं क्या निकालूंगा, सबसे मिनिमम वैल्यू, मैंने किया एंटर, क्या आई मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू, 10,000। अब 10,000 ये रही। तो 10,000 जो वैल्यू है बॉब की, ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है, सबसे मिनिमम वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन सभी वैल्यूज में। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैक्स मिन समझ में आया होगा कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा काउंट। काउंट का काम क्या होता है, काउंट फंक्शन इज यूज टू काउंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज। मतलब काउंट फंक्शन आपका ये काउंट करता है कि कितनी वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब ये कितने नाम दे रखे हैं ये काउंट करना है। ठीक, एक तरीका क्या है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, देखिए कितने नाम दे रखे हैं, आठ। ये तो हमने क्या क्या किया, मुंह जबानी। अब हम करेंगे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो क्या लिखूं मैं, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट लगाया कहाँ से, ये सी, सी टू, सी टू से लेकर सी नाइन तक, सी टू से लेकर सी नाइन,
ये देखिए फॉर्मुला देखा आपको, इक्वल्स टू काउंट C2 से लेके C9। अब मुझे क्या मिल जाएगा इसमें कि कितनी वैल्यूज हैं। मैंने क्या एंटर, ये क्या दिखा रहा है, जीरो। अच्छा ये टेक्स्ट पर है, ये मुझे इस पे करना है वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखा हुआ था ना ये, कि न्यूमेरिकल वैल्यूज केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट करने के लिए होता है ये। तो मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट लगाया D2 से लेकर D9 तक, ये किया मैंने एंटर, कितनी आई है 8। अब ये टोटल कितने नाम दे रखे, कितने नंबर दे रखे हैं 8, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये कितनी वैल्यू शो करेगा, 8, इनको गिन दिया इसने, कितना है ये 8, क्लियर। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा सम एवरेज मैक्स, मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम, मिन, मिन क्या होता है, मिनिमम, और क्या पढ़ा हमने आज, काउंट। तो काउंट का तो मतलब सिंपल आपको पता ही है, सम का काम क्या होता है, टोटल करना, इसका काम क्या होता है, एवरेज कैलकुलेट करना, इसका काम क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू, इसका काम स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसका काम टोटल वैल्यूज काउंट करना, ठीक है। तो क्या है इसका काम, लास्ट वाले का क्या है, काउंट टोटल वैल्यूज। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आए होंगे कि सम क्या होता है, मैक्स क्या होता है, मिन क्या होता है, एवरेज, काउंट, कैसे इन पे काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक में एक फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है ऑटो सम। तो मैं ये और बता दूं कि ऑटो सम है क्या आखिर में और कैसे है। तो ऑटो सम के लिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ये हो गया जूम। अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये ऑटो सम लिखा है, ये ऑटोसम, ऑटोसम में क्या होता है, ऑटोसम पे जब भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर साइड में तो ये सारे फंक्शंस दिखा देगा। सम दिखाता है, एवरेज दिखाता है, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, ये सारे फंक्शंस दिखाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ऑटोसम में क्या होता है, ये पांचों फंक्शंस पहले से इंक्लूड होते हैं, क्लियर। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया, मैंने एक एक फंक्शन आप लोगों को अलग अलग करके बताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आज आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके अलावा कल कोई वीडियो नहीं आएगी आपकी, और कल की आपकी वीडियो की छुट्टी रहेगी। आप लोगों को मैं इस वीडियो के साथ साथ चैप्टर दे दूंगा, एक्सरसाइज दे दूंगा करने को, वो आप लोगों को करना है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।